करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुराया जी। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ, हमारे नेता हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जोरदार नारों से स्वागत करें। भाई यदि सिंह चौटाला, भाई यदि सिंह चौटाला। राम जी को अंदर वो आए और अपनी बात कहे। विपक्ष के नेता चौधरी चौधरी जयपाल पुनर कास जी, सम्मानित मंच ने मीटिंग बुलाई गई है। इसके लायक चौधरा का निर्माण किया और इसकी लड़ाई लड़ी और जो हमारा जो 60 और 40 गुमराह करते हैं सोनिया को लेकर जो सभाएं की जा रही है, चाहे वो दक्षिण हरियाणा की बात हो, चाहे वो उत्तरी हरियाणा की बात, लोगों की तरफ से आश्वासन दिलाया जा रहा है कि हम आने वाली 23 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इंद्र सांगवान जी, पूर्व विधायक बाकी चौधरी मामूराम जी, हमारी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई जयप्रकाश सिंह अम्बोद, पार्टी के हल्का करनाल के अध्यक्ष छायाकार दोस्तों, करनाल के सेक्टर 12 स्थित जाट धर्मशाला में जो है इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे और उनके साथ जो है इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी है। और इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जनसभा को जो है संबोधित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इनेलो पार्टी की तरफ से SIL मामले को लेकर पूरे प्रदेश भर से 23 फरवरी को जो है ऐलान किया जा रहा है, ताकि बॉर्डर पर SIL जाकर जो नहर खोदने का जो अभियान है उसको लेकर जो है जिले जिले में जाकर इनेलो नेता जो है कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है आज करनाल के कार्यकर्ताओं को न्योता देने जो है इनेलो के जो नेता है अभय चौटाला, उनके प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा है, वो पहुंचे थे और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद है। कमल मिडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। हमने पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों के कार्यक्रम बना रखे हैं। अब तक मैं हरियाणा प्रदेश के 11 जिलों में जा चुका हूँ और 11 जिलों की मीटिंग जो ली है उसमें हमने दो फैसले किए। एक तो संगठन हमारा कैसे दोबारा नए सिरे से मजबूत हो और संगठन में नए लोग और आए, उनके लिए हम अपनी मेंबरशिप शुरू करने जा रहे हैं 1 फरवरी से। और दूसरा जो हमारा फैसला है SYL नहर की खुदाई में, अगर सरकार कोताही करती है 23 फरवरी तक केंद्र की सरकार इस नहर के निर्माण में कहीं ना कहीं अनदेखी करने का काम करेगी, तो फिर हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक को, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये प्रदेश के हितों की लड़ाई है। पानी जो है हर किसान के खेत में जाने, और किसान के लिए पानी से ज़्यादा जरूरी कोई चीज़ नहीं है। अगर पानी नहीं मिलेगा, आज अगर हमारा ये पानी नहीं मिला, सतलुज का पानी अगर हमें नहीं मिला, उसमें अगर कोई दिक्कत और रुकावट आ गई तो फिर कल पंजाब के लोग हमारा भाखड़ा का पानी भी बंद कर सकते हैं, फिर तो हम पीने के पानी से भी वंचित हो सकते हैं। इसके लिए हमने फैसला किया कि 23 तक सरकार को समय दिया है, 22 तक को सरकार के पास समय, या तो काम शुरू करवा देगी, नहीं शुरू करेंगे तो हम 23 को खुदाई करके नहर लगेंगे। कोई ना कोई समय सीमा आपको तय करनी पड़ेगी, खास दिन नहीं, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जहां हरियाणा प्रदेश के पानी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, किस तरह से हरियाणा प्रदेश के साथ केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के लोगों के साथ अन्याय कर रहे थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए ना केवल उस नहर की खुदाई का काम शुरू किया बल्कि सरकार को मजबूर भी किया कि नहर बने। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की एक योजना एक और फेल साबित हो रही है, जो फसल बीमा योजना है 40% उसके फेल गए हैं, और करनाल में सर 74 रिपोर्ट हुए हैं लेकिन 72 को रिजेक्ट कर दिया है, इस तरह की कोई मतलब समस्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हमने पहले दिन ही इसका विरोध किया था कि जो योजना आपने बनाई है, जिस ढंग से इस योजना को आप क्रियान्वित करना चाहते हो, ये हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। उन्होंने तो इकाई गांव को माना था, अगर गांव के एक हिस्से की फसल खराब हो जाए और दूसरे हिस्से की फसल ठीक रह जाएगी तो जो खराब हुई फसल है उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, ये उनकी योजना में शामिल था।
हमने इस इशू पे सरकार से जवाब तलब किया था, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार कहीं ना कहीं इन बातों को विधानसभा में टालती रही। हमने लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया और आज भी आपने देखा होगा कि किसान किस तरह से इस जो पैसा जो इस योजना के तहत लिया गया उस पैसे को लेकर के लोगों में भाजपा की सरकार के प्रति बड़ा रोष है। रोष होना भी लाजमी है। आप किसी के भी बैंक के खाते से बिना बताए एक पैसा नहीं निकाल सकते। ये तो शरेआम डाका है। किसी को पूछो ना आपके खाते में कोई पैसा जमा है और आपके कोई निकाल ले, आपको तकलीफ नहीं होगी? सर आपने तो हर व्यक्ति की ये तकलीफ है। इनको क्या पता, इन्होंने कभी ना खेती करी थी, ना इनके पास खेती लायक कोई जमीन थी, ना ये कभी खेत में गए थे। ये तो केवल और केवल किसान कैसे दुखी हो इसके लिए हमारे यहाँ योजनाएं बनाई जाती है। सर आपने सरकार को नपुंसक सरकार कहा है, हरियाणा की सरकार को? मैंने पहले भी कमजोर कहा, आज भी कमजोर कहता हूँ। इसलिए कमजोर कहता हूँ कि दो महीने में जिस मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय नहीं मिला उससे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। मैं नहीं, ये सैकड़ों लोग खड़े, इनसे पूछ लो मुख्यमंत्री कमजोर है ताकतवर, ये बता देंगे। आपके करनाल जिले के कहीं और के, एक मिनट बताओ कमजोर है या अब तो आपको तसल्ली होगी। मैंने इसलिए बर्खास्त की मांग करी है कि हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि मैं पंजाब के अंदर जाके भाजपा के लिए काम करूंगा। अगर हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकता तो अगर वो पंजाब में जाए तो पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं रह जाता। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की होती है। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री तो रोज नई नई योजनाएं बनाता है कि कैसे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों को कमजोर किया जाए। कल का एक नया उदाहरण आपको बताता हूँ। कल ये फैसला लिया गया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी नौकरी अगर निकलेगी उस नौकरी के अंदर जो कोई भी फार्म अप्लाई करने वाला होगा उसको साथ में बिजली की एनओसी देनी पड़ेगी। अगर किसी के दादे ने बिल नहीं भरा, अगर किसी के बाप ने बिल नहीं भरा, किस क्या कारण रहे उसके, कैसे वो बिल अदा करवाए जाए, उसके लिए योजना नहीं बनाई जा रही, उसके लिए नहीं समझाया और बताया जाता किसी को। ये तो आप सीधा सीधा उन बच्चों का हक मार रहे हो जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, जो कहीं ना कहीं ये उम्मीद करके स्कूल और कॉलेज जाते रहे हैं कि हम कल को इस प्रदेश के अंदर जब जॉब निकलेगी उसमें अप्लाई करेंगे और हम अपनी काबिलियत पे कहीं ना कहीं नौकरी लग करके आने वाले समय में अपने परिवार को आगे बढ़ा सकेंगे। इन्होंने तो उनके लिए रास्ते बंद कर दिए। ये इस तरह के जो फैसले हैं ये तो अंग्रेज के वक्त में भी नहीं होते थे। ये इस तरह के फैसले तो तुगलक का जो राज था, मोहम्मद तुगलक के राज में भी नहीं होते थे। यहाँ तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं जैसे इन्होंने ये फैसला कर लिया और इसको लागू करके कैसे इन लोगों को वंचित किया जाए। मतलब सीधा सीधा एक ही है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति विशेष वर्ग का, उसको कमजोर कैसे किया जाए उसके लिए योजना बन रही है। सर आप कूच करेंगे पंजाब की तरफ नहर खुदाई के लिए, इससे टेंशन क्रिएट नहीं होगी पंजाब और हरियाणा के बीच? ये टेंशन का जिम्मेवार कौन है? हम नहीं चाहते कि कोई टकराव हो, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। और मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि इसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेवार होंगे अगर बांध नहीं जाएंगे तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक और योजना जो है फेल साबित हुई है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जितने भी जो 44% जो फसल बीमा थे वो रिजेक्ट साबित हुए हैं और करनाल में ही नहीं पूरे हरियाणा भर में जो है किसानों में कहीं ना कहीं रोष जो है देखने को मिल रहा है। और करनाल पहुंचे हैं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर आप बताएं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है एक फेल साबित हुई है और किसानों में जो है पूरे प्रदेश भर में रोष देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने तो शुरू से जब ये लागू की गई थी उसका विरोध किया था। हमने कहा था कि जब तुम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके प्रीमियम काट रहे हो तो इकाई भी खेत को मानना चाहिए, ना कि गांव को मानना चाहिए। तो इन्होंने उस समय गांव को इकाई मान लिया। यही वजह है कि इसका फायदा किसी को भी नहीं मिला पूरे प्रदेश के अंदर। मैं नहीं मानता किसी एक व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के तहत उसको मुआवजा मिला हो। तो ये और केवल चंद बड़ी कंपनियों को, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर तीन बड़ी कंपनियों को इन्होंने दिया था, उनको हरियाणा प्रदेश का 300 करोड़ रुपए किसानों का और सरकार के हिस्से का प्रीमियम देकर फायदा पहुंचाने के लिए एक स्कीम बिल्कुल फेल स्कीम है। तो शुरुआत में भी इनेलो ने ये चीज बता दी थी कि ये जो योजना है वो फेल साबित हो गई, लेकिन उसके बाद वही हुआ, दोबारा से फेल साबित हो और 40% जो है आधे से ज्यादा रिजेक्ट हो चुके हैं, इस पर क्या कहें? हमने
पूरी पार्टी के एमएलओ के साथ महामहिम राज्यपाल से भी मिले थे और महामहिम राज्यपाल के नाम जिला के मुख्यालय पे प्रदर्शन करके ज्ञापन भी भिजवाए थे कि ये केवल और केवल बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। और अब वो बात हमारी सच्ची से अभी हुई, हम अब भी कहते मांग करते हैं कि जिन अधिकारियों ने या जिन राजनेताओं ने इस प्रकार का घोटाला करके बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, उसकी जांच करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाए और किसान से लिया हुआ प्रीमियम उनको वापस दिया जाए। तो यह हम बातचीत कर रहे थे करनाल पहुंचे इनेलो प्रदेशक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो एक फेल साबित हुई है और इस मामले को लेकर इनेलो पहले ही जो है विरोध जता चुकी थी और राज्यपाल से मिलकर जो है इस मामले में जो है जांच की मांग भी जो है की है और सिर्फ ये कहा है कि बड़ी कंपनियों को जो है सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो शुरुआत की गई थी।